आप देख रहे हैं मंडी लाइव, मेरे साथ फयाज उदानी जी जुड़े हैं, राजीव कपूर जी जुड़े। जानने की कोशिश कर रहा हूँ कौन सी सी कॉमोडिटीज जहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक बड़ी खबर है, उसको भी यहाँ पर क्लोजली ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि गेहूं पे अब कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो सरकार निल कर सकती है, ऐसी खबर इस समय मार्केट्स में है। और इसी पर अपडेट लेते हैं, मेरे सहयोगी असीम मनचंदा ट्रैक कर रहे हैं इस खबर को। असीम, बताएं क्या इस बार 0% इंपोर्ट ड्यूटी हो सकती है गेहूं पे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी सप्लाई सिचुएशन जो है वो इतनी स्ट्रांग है नहीं उसको कंट्रोल करने के लिए और दामों को थामने के लिए। सही कहा आपने, अगर हम आटे की दाल दाम की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में आटे के दाम जो है 20% तक उनमें बढ़ोतरी हुई है, और सरकार को ये लग रहा है कि स्टॉक जो है कम है। एफसीआई ने जो बल्क में गेहूं जो बेचता था उसने वो भी बेचना जो है बंद कर दिया, तो अब उसको लेकर के सरकार जो है थोड़ी सी चिंतित है। तब इम्पोर्ट ड्यूटी पहले 25% थी, जिसको घटा करके कि 10% जो है वो सितंबर में किया गया था, और अब एक प्रपोजल जो है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो है भेजा गया, जिसमें ड्यूटी जो है वो जीरो करने के लिए कहा गया। जो मैं सूत्र के हवाले से मिल रही है, इसकी औपचारिक घोषणा जो है थोड़ी देर में जो है वो की जा सकती है कि वीट पर जो ड्यूटी है वो जीरो कर दी जाएगी, यानी कि आसानी से जो औपचारिक घोषणा अभी थोड़ी देर में हो सकती है। 0% इंपोर्ट ड्यूटी हो सकता है कि सरकार कर दे गेहूं पे, अभी औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, फयाज उदानी जी मेरे साथ जुड़े। फयाज जी, बताएं एग्री कॉमोडिटीज पे आपका व्यू, स्पेशली गेहूं पे, कोई क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं कॉमोडिटी आज के लिए? जहां तक गेहूं का सवाल है, मुझे लग रहा है ऐसे भी प्राइसेस बहुत ओवरडन थे। ये न्यूज एक और एक पॉजिटिव फैक्टर है कि शायद इस वजह से सप्लाई बढ़ने में तो वक्त लग जाए, लेकिन सेंटिमेंट्स थोड़े वीक हो सकते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि गेहूं के भाव में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ तो 2030 से लेकर 2000 तक के नीचे के लेवल से जो हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। जहां तक एग्री कमोडिटी की मैं बात करूंगा तो मुझे जीरा सेल लगता है, मुझे लगता है कि जीरा एक अच्छा सेल बन सकता है। 17,600-17,700 अच्छा स्तर है जैन कॉन्ट्रैक्ट को बेचने के लिए, 70,000 तक का इसका टारगेट रहेगा, और सर स्टॉप लॉस जो है वो 17,911 का रहेगा। मार्केट का पूरा ध्यान नई सोइंग की तरफ है, नए क्रॉप की तरफ है, और 180 रुपए किलो के दाम चल रहे हैं, तो मुझे लगता है सोइंग और वेदर दोनों ही सपोर्टिव रहेंगे और प्राइस जो है वो आने वाले दिनों में थोड़े करेक्ट हो गए। चलिए राजीव जी, आपकी पसंद क्या है एग्री कॉमोडिटीज पे अभी? देखिए रजत, जहाँ तक वीट का सवाल है, वीट में मुझे लगता है कि थोड़ा दबाव आ सकता है, क्योंकि सरकार ये कवायद कर रही है और कदम उठा रही है कि किसी ना किसी तरह से बढ़ते हुए गेहूं के दामों पे लगाम लगाई जा सके, बिकॉज गेहूं एक एसेंशियल कमोडिटी है, हर तबके को ये छूता भी है। हालांकि उनके अभी तक के जो कदम है इतने सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि सोइंग इस बार काफ़ी पिछड़ रहा है, और जहाँ तक मैट का एक अनुमान भी है फरवरी मार्च में, वो भी थोड़ा गर्म सीजन का है, तो इस कारण गेहूं की थोड़ा सा मुझे लगता है दाम थोड़े यहाँ से नीचे आ सकते हैं अगर 0% हुई, बट ओवरऑल ऊपर ही आने वाले हैं। जीरा मेरे भी पसंदीदा कमोडिटी है, मुझे लगता है जीरा 17,000 तक 17,200 तक नीचे में आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा भी उछाल मिले इसमें सेलिंग करके चल सकते हैं। चलिए राजीव जी, आप टारगेट स्टॉप लॉस बताएं सर, अगर किसी को आज के सत्र में बेस मेटल्स पे पोजीशन बनानी हो तो कौन सी दो कमोडिटीज आप ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली, उसका टारगेट स्टॉप लॉस? देखिए कल बेस मेटल्स में लास्ट ट्रेडिंग आवर में हैमर डाउन हुई थी सारे बेस मेटल्स, तो मुझे लगता है किसी भी बेस मेटल में अगर थोड़ा सा भी उछाल आता है, एक परसेंट का भी उछाल मिलता है, तो उस उछाल को लेकर और बेच के चला जा सकता है। कॉपर 398.99 अच्छा लेवल रहेगा सेलिंग के लिए, जिंक 87.88 अच्छा लेवल रहेगा सेल के लिए, और लेड 57.58 का लेवल अच्छा रहेगा सेलिंग के लिए। राइट फयाज जी, आखिरी कमेंट्स, टारगेट स्टॉप लॉस क्रूड के लिए आज के सत्र में? क्रूड के लिए मैं थोड़ा सेल की तरफ रहूँगा, बहुत फास्ट रैली आई है इसकी अपसाइड पे, और ये नियर टर्म में लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। इंडियन मार्केट के अंदर करेंसी भी थोड़ी सपोर्टिव है, और इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं कि डॉलर भी थोड़ा वीक है, उस लिहाज से मुझे ब्रॉडली लगता है कि क्रूड में करेक्शन आना चाहिए। 3400 का स्तर अच्छा है, थोड़ा राइस के ऊपर बेचना बेहतर रहेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। इसका टारगेट जो है वो 3320 रुपए का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है वो 4442 रुपए का रहेगा, 3442 रुपए का रहेगा। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई आज की मार्केट्स की, लेकिन कौन सी ऐसी कॉमोडिटीज जो आपको शॉर्ट रन में बहुत स्ट्रॉन्ग मुनाफा कमा सकती है, देखते हैं रैपिड फायर कॉमोडिटीज। राजीव जी, पहली कॉमोडिटी आपकी ओर से नेचुरल गैस 246 के आसपास बिकवाली की जा सकती है 240 से 241 के टारगेट्स के लिए। फयाज, दूसरी कॉमोडिटी कौन सी होगी? जी कॉपर रहेगी, 398 के स्तर पर इसे बेचे, 390 तक का इसका टारगेट रहेगा, और 402.50 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। राजीव जी, आखिरी कॉमोडिटी बताएं आज के लिए। निकिल सेल करके चल सकते हैं 775-76 पर, 760 तक के टारगेट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी और फयाज जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे।